हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे नंबर ऑफ ट्रायंगल काउंट करना। ठीक है, ट्रायंगल काउंट करना क्या है, हर एक एग्जाम में आता है, कंपटीशन एग्जाम में। तो यहाँ पे देखते हैं नंबर ऑफ ट्रायंगल काउंट करना। मैं आपको बताऊंगा, आप केवल 2 सेकेंड में ट्रायंगल काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले देखते हैं यहाँ पे फिगर 1 पे, यहाँ पे क्या है, ट्रायंगल है। इसमें कितने तो ट्रायंगल है, तो आपको सिंपली बस इसमें नंबरिंग कर लेना है और उसको ऐड कर देना है, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना तो ट्रायंगल है। ये कितना है, 1 और 2, तो 1 प्लस 2 मीन्स कितना तो ट्राइंगल हो गया, 3। देखो आप ऐसे भी काउंट कर सकते हो, 1 ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और ये टोटल कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, वैसे इसमें क्या होगा, 1 2 3, 1 प्लस 2 प्लस 3 मीन्स इसमें कितना तो ट्राइंगल है, 6 तो ट्राइंगल है। ठीक है, अब देखो इसमें इसमें कितना तो है, 1 और 2 है, लेकिन ये अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो गया है। तो हम लोग को यहाँ कैसे करना है, यहाँ भी सिंपली बस ऐड कर देना है, और जितना तो पाथ है उसना क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो कितना है, 1 प्लस 2 ये ऐड हो गया नंबरिंग करके, इनटू कितना तो पाथ है, 2 थो, तो 3 इंटू 2 इक्वल टू कितना तो ट्रायंगल होगा, यहाँ पे भी 6 ट्रायंगल हो गया। अब देखो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे भी जस्ट नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4, तो यहाँ पे ऐड करना है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। ठीक है, और कितना तो पाथ है, 1 2 और 3, तो 4 3 इंटू 3, 4 3 7 7 और 3 10, 10 इंटू 3 इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ पे जो ट्रायंगल है वो 30 ट्रायंगल है। ठीक है, अब देखते हैं ये वाले में। अब देखो यहाँ पे कितना तो ट्रायंगल होगा, यहाँ पे 10 ट्रायंगल होगा। वो कैसे होगा मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे हम लोग एक एक पॉइंट कंसिडर करते हैं, 1 2 3 4 5, हर एक पॉइंट पे देखना, एक छोटा ट्रायंगल है, एक बड़ा ट्रायंगल है, एक यहाँ से एक, जैसे कि इस पॉइंट को लेता हूँ मैं, यहाँ से एक छोटा ट्रायंगल हो गया, और यहाँ से एक पूरा एक एक बिग ट्रायंगल है, मींस जितना पॉइंट है 2। ठीक है, तो उसको हम लोग 2 कंसीडर करते हैं, तो 1 2 3 4 5 है, मींस 2 इंटू 5 इक्वल टू कितना ट्रायंगल आया, 10 ट्रायंगल आया। अब देखो यहाँ पे कितना ट्रायंगल है, ये भी इसी टाइप से है, लेकिन इसका पॉइंट वाइज नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे होगा 8 ट्रायंगल। कैसे, देखो 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, और एक बिग और ये एक, ठीक है, तो 8 हो गया, ये बड़ा बड़ा, ठीक है, 2 और ये टोटल 6। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 7 नंबर पे ये एक बिग ट्रायंगल है, इसका 1 हो गया। अब ये इसमें कितना तो ट्रायंगल है, 1 2 3 4 मींस जितना भी आएगा, और ये एक भी, तो जहां भी एक ट्रायंगल के बीच में अगर ट्रायंगल आता है तो वहां को हमेशा 4 काउंट करते हैं, तो 1 प्लस 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, आप देखो यहाँ पे कितना तो है, 1 प्लस 4 प्लस 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 9, मींस इसके अंदर में जितना तो ट्रायंगल आते जाएगा उतना 4 4, मान लो यहाँ पे 10 तो है, तो 1 प्लस 4 इंटू 10 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 41 तो ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जितना तो अंदर में ट्रायंगल रहेगा उतना पे क्या है, 4 इंटू उसका मल्टीप्लाई करना है। ठीक, अब देखो यहाँ पे कितना तो ट्रायंगल है, यहाँ पे 8 ट्रायंगल है। कैसे, 1 2 3 4, ठीक, अब यहाँ पे एक, ठीक है, ये देखो यहाँ से एक हो गया, ये से ये 5, और इधर से एक 6। ठीक है, अब यहाँ से एक 7, यहाँ से एक ऐसे 8। ठीक है, मींस ऐसा वाला जैसे भी आएगा तो हम लोग को पता कर लेना है कि यहाँ पे कितना तो ट्रायंगल है, 8 ट्रायंगल है। अब यहाँ पे कितना तो ट्रायंगल है, 18 2। कैसे पता चला, ये 8 और ये 8, ये दोनों का हो गया 8 और 8 16। अब देखो यहाँ से एक है 1 और यहाँ से 2 प्लस 2 इक्वल टू कितना हो गया, 8 प्लस 8 प्लस 2 मीन्स 18 ट्रायंगल। अब देखो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे बताओ, तो यहाँ पे तो 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8, ये तो होना ही है, ये तो दिख ही रहा है हम लोग को, 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 कितना हो गया, 42। ठीक है, 32 सॉरी। उसके बाद क्या हो जाएगा, हर एक में 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 ये भी आएगा, प्लस लास्ट में कितना आएगा, 4, तो कितना हो जाएगा, सबको ऐड करेंगे तो होगा 44। ठीक है, अब देखो इसमें कितना होगा, 8 प्लस 8 प्लस 8 ये तो होना ही है। ठीक है, अब क्या होगा, 2 प्लस
टू मीन्स प्लस टू प्लस टू प्लस, लास्ट में देखो 2 + 2 कैसे आया, यहां से एक यहां से एक टू, और इधर से भी ऐसे होगा, यहां से ये देखो यहां से एक ये हो गया और इधर से एक ये हो गया, वैसे ही इधर 2 + 2 हो गया। अब लास्ट में एक एकदम ये वाला एकदम बिग वाला, ठीक है ये वाला, तो +1, तो 24 और 5 29 हो ट्राइंगल है। अब देखो इसको, इसमें हम लोग को ट्राइंगल काउंट करना है, तो कैसे ट्राइंगल काउंट करेंगे, ये तो और बहुत इजी है, देखने से लग रहा है बहुत डिफिकल्ट लेकिन बहुत इजी है। इसके लिए हम लोग को बस एक फार्मूला याद करना पड़ेगा कि अगर ऐसा वाला जैसे भी ट्राइंगल आता है तो इसको 2n-5 करते हैं, जहां पे n इक्वल टू होता है नंबर ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। तो देखो हम लोग को यहाँ पे जस्ट नंबरिंग कर लेना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ठीक है। तो एन का वैल्यू कितना आया, 16, मीन्स 2 × 16 - 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 32 - 5 = 27, ठीक है। समझ आया सबको ट्राइंगल काउंट करना।